हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इंदौरी चटोरे। तो यार, बहुत दिनों बाद हम आपके सामने आ चुके हैं। मैंने आपको मिस किया, इसने आपको मिस किया, आपने हमको मिस किया कि नहीं, ये बताओ सबसे पहले। बिल्कुल। तो आज हम कहाँ आए हैं? अभी हम लोग आए हैं पबराई आइसक्रीम पे। यहाँ पर क्यों आए हैं, ऐसा क्या स्पेशल मिलता है यहाँ? बिल्कुल, सबसे पहले तो बताऊँ की इतनी ठंड में आइसक्रीम खाने इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में ठंड में सबसे ज्यादा आइसक्रीम खाई जाती है, ऐसा चीकू भैया ने पहले किसी ब्लॉग में बताया था। तो आज हम आए हैं पबराई पे क्योंकि यहाँ जो आइसक्रीम मिलती है वो एकदम फ्रेश और नेचुरल आइसक्रीम यहाँ पे मिलती है। और ये आइसक्रीम यहाँ की नहीं है, ये है वेस्ट बंगाल की। इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे, क्या क्या स्पेशल है वो बताएंगे, एड्रेस समझाएंगे, तो बिना स्क्रिप्ट के देखना, बहुत मजा आएगा। तो अगर मैं एड्रेस की बात करूँ पबराइज फ्रेश एंड नेचुरल की, तो भैया ये है, जैसे आप रीगल से जाते हैं दवा बाजार के लिए, मधुमिलन के लिए, तो आपको टर्न लेते से ही एकदम इंडियन कॉफी हाउस के एकदम सामने, या कह लो आप अपना जो ये है इंदौर सेंट्रल मॉल, इसके एकदम सामने आपको दिख जाएगा पबराइज नेचुरल आइसक्रीम का आउटलेट। तो जल्दी से अंदर चलते हैं। और यहाँ पे जो एक बेहतरीन आइसक्रीम मिलती है वो है यहाँ की नलेन गुड़ आइसक्रीम, जो अपना डेट पाम मतलब जो खजूर होता है उसकी बनती है वो। तो कैसे बनती है पूरा अपन देखते हैं आइसक्रीम खा के, और बस चलो अभी रहा नहीं जा रहा है। तो जैसे ही मैं पबराइज के अंदर आता हूँ ना, तो यहाँ पर एकदम बढ़िया सा माहौल हो जाता है। यहाँ पर आपको सारे डिस्प्लेस में जितनी भी आइसक्रीम यहाँ पर अवेलेबल है सारी दिख जाएगी, और बाहर भी बैठने की जगह है, यहाँ पर भी बैठने की जगह है, और बाहर फैमिली के लिए एक स्पेशल चीज़ लगाई हुई है, वहाँ पर अपन बैठ के देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे कैसी है। मेरे को यहाँ की स्पेशल आइसक्रीम कौन सी है? शुक्रिया, जैसा मैंने बताया यहाँ की स्पेशल आइसक्रीम है, एक तो अपना नलिन गुड़ है। हाँ। उसके अलावा यहाँ पे मिलती है, पता कौन से फ्लेवर की? कौन सी? चंदन के फ्लेवर की। चंदन, हाँ, ये मिक्कू मेरे को बता रहा था कि चंदन के फ्लेवर की आइसक्रीम डायरेक्ट टेस्ट करना कैमरे के अंदर। मैंने बिल्कुल टेस्ट करेंगे। अभी मेरे हाथ में है पबराइज का सबसे मोस्ट सेलिंग और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फ्लेवर, इसका नाम है नलिन गुड़। सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा पबराइज के बारे में बताऊं, तो ये जो ब्रांड है ये 2008 में स्टार्ट हुआ था, पैन इंडिया इनके 50 से ज्यादा आउटलेट्स हैं, और बड़ी बात यह है कि इसको अंबानी से लेके अपने अमित जी शाह, उन लोगों ने भी इस आइसक्रीम को खाया हुआ है। और जितने इंडिया के बड़े फाइव स्टार्स हैं, जैसे ताज हो गया या कह लो पार्क हो गया, तो वहाँ ये आइसक्रीम सर्व की जाती है, तो बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में ये। इस आइसक्रीम के बारे में बताऊँ तो ये नलिन गुड़ मतलब क्या होता है, जो अपनी डेट्स होते हैं, जो खजूर होता है, उससे बनी हुई ये आइसक्रीम है। और इस पे जो सिरप डला है वो भी उसी का है, नलिन गुड़ का ही, मतलब उसका नाम है पूरा नलिन गुड़। इसकी प्रोसेस सुबह 4 बजे से चालू हो जाती है बनने की, जो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ये एक ऐसी आइसक्रीम है जिसमें टेस्ट तो है मगर उस आइसक्रीम को बनाने के पीछे डेडिकेशन भी है। पहले जल्दी से टेस्ट कर लेता हूँ, फिर आपका एक सवाल आएगा कितने का है वो भी बताऊंगा। बिल्कुल। सबसे पहले उन लोग के लिए जो खजूर कभी नहीं खाते ना, ये आइसक्रीम एक बार आके खाना, आप भूल जाओगे कि खजूर मतलब क्यों नहीं खाते हो। ये इतना अच्छा, मतलब गले को इतना सूदिंग है, जुबान पे इसका जो टेस्ट है ना, मतलब मुंह में पानी आ रहा है इसको एक स्पून, इसका एक स्पून खाने के बाद। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो आपको पबराइज पर 72 रुपीज़ से आइसक्रीम मिलना चालू होती है, और नलिन गुड़ का प्राइस है 129 पर स्कूप का। और ये जो 129 है ये प्रॉपर जस्टिफाइंग है इसका टेस्ट, मतलब अगर ऐसे कोई फैसिलिटी हो जिसमें आपको स्क्रीन पर टेस्ट दिखा सको तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि ये जो है टेस्ट मतलब लाजवाब, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। ओवरऑल ये सिर्फ एक प्रोडक्ट है यहाँ का, यहाँ पे ऐसे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो अब चीकू भैया के लिए एक स्पेशल मैंने जो फ्लेवर है वो संभाल के रखा हुआ है, जो शुगर फ्री कैटेगरी में भी आता है, तो वो टेस्ट करके देखते हैं। यार मेरे को तुम्हारे कहने पे ये वाला फ्लेवर मैंने लिया है, तो सबको बता भी दो चीकू भैया कौन सा फ्लेवर ये वाला है? फ्लेवर है चंदन फ्लेवर। जैसे मैंने बोला बाहर बैठने की भी जगह है यहाँ पर, तो आप बाहर आके बैठो और मस्त अपनी आइसक्रीम एंजॉय करो। जल्दी से मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ। इसकी जो प्राइस है ये पर स्कूप है 129, ये शुगर फ्री में मिलती है, शुगर में मिलती है, शुगर में तो कॉस्मेटिक्स मिलता है। चंदन फ्लेवर कैसा लगा ये बताओ तुम तो। भाई एकदम मलाई मलाई क्यों लग रहा है इतना? अभी रुको, आफ्टर टेस्ट गले में फील करना। हाँ, जैसे सबके यहाँ पूजा होती है मॉर्निंग में और भगवान को चंदन लगाया जाता है, तो वो जो खुशबू आती है ना पूरे घर में जो महकती है, वही सेम खुशबू आपको इस आइसक्रीम में मिलेगी। बहुत ही शानदार टेस्ट है इस आइसक्रीम का यार। यहाँ पे ओवरऑल आपको 5 से 7 वैरायटीज की शुगर फ्री मिल जाएगी, पर मेरे हिसाब से ये बेस्ट है यार, ये बेस्ट है। यहाँ पे 3 लोग बैठे हैं मेरे साथ हैं, यहाँ की ऑरेंज बेसिल आइसक्रीम, यहाँ का बढ़िया सा लीची शेक, और यहाँ के ओनर हमारे साथ है सजल जी। तो कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा मैंने तो बता दिया ऐसे पबराई क्या है, बट आपके पर्सपेक्टिव से व्हाट इज पबराई, आपका ब्रांड क्या है, और मतलब बताइए व्यूवर्स को। पबराई बेसिकली हमारा कलकत्ता का ब्रांड है। हम लोग इंदौर में इसे स्पेशली इसलिए लाए हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग एकदम नेचुरल आइसक्रीम्स और मिल्क शेक्स और ये सब सर्व कर सकें, क्योंकि इंदौर के लोगों के लिए टेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो उसके लिए हम लोग स्पेशली ये सब लाए हैं यहाँ पर। आप आइए टेस्ट कीजिए इसे।
मतलब जैसे अपना नाम है फ्रेश एंड नेचुरल, तो नेचुरल में हम लोग जो जो फ्रूट की आइसक्रीम्स होती हैं तो उसमें फ्रूट पल्प का जो इस्तेमाल करते हैं वो मतलब कैसा है थोड़ा सा? फ्रूट जो हमारे हैं वो स्पेशली सारे फ्रूट्स उन उन जगह से आते हैं जहाँ पर वो फेमस है उस चीज़ के लिए। जैसा हमारा जो वेनिला है वो मैडागास्कर से आता है, उसका जो वेनिला पॉड है उसके थ्रू हमारा बनता है वेनिला। जैसा आप लीची मिल्क शेक भी पियेंगे अगर, तो इसमें आपको प्योर पल्प आएगा। और ये आप ऑरेंज बेजिल तो देख ही रहे अपने सामने, मतलब ये जो आइसक्रीम ऑरेंज बेजिल, बेजिल लीव्स यूजुअली आप पिज्जा या पास्ता के साथ खाते हो, यहाँ पे ये आइसक्रीम के अंदर है। और एक चीज़ और, ये जो डेजर्ट मेरे हाथ में इस ब्रांड का, ये साउथ एशिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साउथ एशिया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट रीजन में टॉप 10 डेजर्ट्स में इनकी एक आइसक्रीम आती है, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और इनका जो हॉल ऑफ फेम है ना, यहाँ पे जितने दुनिया के बड़े न्यूज़पेपर हैं सब ने कुछ ना कुछ आर्टिकल अपने हिसाब से लिखा इस आइसक्रीम के ऊपर। तो मैं इसको जल्दी से टेस्ट कर लेता हूँ। ऑरेंज बेजिल आइसक्रीम के बाद अब यहाँ का जो शेक है ये है इनका लीची शेक, तो इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट है उसमें लीची का, साथ में आपको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का भी एक टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट है। अगर आप आओ तो ये भी टेस्ट करना है यहाँ पे। जैसा मैंने आपको बताया था हमारा वेनिला जो है वो मैडागास्कर से आता है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये वेनिला का स्टेम है। मतलब अगर मैं इन जनरल पूछूं तो इससे वेनिला आइसक्रीम बनती है जी। इसको हम स्लिट करते हैं, इसके अंदर से पॉड्स निकलते हैं और फिर उससे जो फ्लेवर निकलता है उससे हम वेनिला बनाते हैं। वाह यार, मतलब ऐसा भी आपको पवराइस पे देखने को मिलेगा कि वेनिला आइसक्रीम कैसे बनती है, आपने कभी सोचा था? अगर नहीं सोचा था तो आज आपको पता चल गया है, इसके पॉड्स से बनती है। तो हम अपनी आइसक्रीम में भी इसको यूज करते हैं कुछ ऐसा? जी जी जी। अरे वाह, तो ये कुछ अलग चीज देखने को मिली है और खाने को भी मिलेगी आपको पवराइस पे। ये मेरे सामने आया है पिंक गुआवा, इसके ऊपर रेड चिली पाउडर डाला हुआ है जो कि हर गुआवा के आइसक्रीम के साथ आपको मिलेगा। इसको मेनली खाया जाता है कप के अंदर, मैंने लिया है कोन के अंदर, क्योंकि यहाँ का जो कोन है पबराइस का एवरीडे फ्रेश बनता है और बहुत क्रंची रहता है, क्रिस्पी रहता है। जल्दी से इसको टेस्ट करके देखते कैसा है। पहले आइसक्रीम टेस्ट करते। देखो गुआवा जो फ्लेवर रहता है ना वो थोड़ा सा पिकी फ्लेवर रहता है, अगर आपको पसंद है तो आपको बिल्कुल पसंद आएगा, अगर आपको नहीं पसंद है तो उसके अलावा भी आपको बहुत सारे फ्लेवर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे मैंने बोला कोन यहाँ पे रोज़ फ्रेश बनता है, तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी है। अगर पबराइस अभी तक नहीं आए हो तो क्या कर रहे हो इंदौर वालों, रीगल पे ही आपको मिल जाएगा पबराइस, इंडियन कॉफ़ी हाउस के जस्ट सामने। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। और वीडियोस अब रेगुलरली आते रहेंगे। मैं बोल रहा था, आप बोल दो। बाय बाय बाय।